ये वीडियो अरावली मार्बल के फैक्ट्री लोकेशन का वीडियो है। ये शिवगंज के रिको एरिया में सिचुएटेड है। फैक्ट्री अराउंड 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई है। ये वर्कर्स का रेसिडेंस एरिया है। ये क्रेन 35 टन का वेट इजीली हैंडल कर सकती है। जो ब्लॉक माइंस से आता है वो यहाँ से मशीन एरिया में अलाइन किया जाता है। यहाँ से ट्रॉली पे रख करके इसको इजीली यहाँ से मशीन एरिया में ले जाया जाता है। ये वाटर रिसाइकल एरिया है विच इज यूज्ड टू कट ब्लॉक्स। यहाँ से ट्रॉली को शिफ्ट किया जा रहा है। इस ट्रॉली पे ब्लॉक रखा जाता है और उसको मशीन एरिया में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे दो मशीनें हैं, एक सिंगल ब्लेड एक मल्टी ब्लेड। ये सिंगल ब्लेड मशीन है एंड इट टेक्स अराउंड 28 आवर्स टू कट अ फुल ब्लॉक। नॉर्मली एक स्लैब अराउंड 17 mm का होता है। ये देखिए जो कट लगे हैं ये 17 mm के कट लगे हैं, बट एज पर द रिक्वायरमेंट इट कैन एडजस्ट फॉर एंड कट हायर mm ऑफ स्लैब्स। मल्टी ब्लेड मशीन है एंड इट टेक्स अराउंड 20 आवर्स टू कट फुल ब्लॉक। ये 17 mm के स्लैब कट करती है। दिस इज द स्टैंडर्ड साइज। कटने के बाद ब्लॉक ऐसा दिखता है एंड फाइनली इसे नीचे से कट करके सारे स्लैब्स अलग किए जाते हैं। एक ब्लॉक में अराउंड 30 स्लैब्स होते हैं। सो दिस फैक्ट्री हैज कैपेसिटी टू मेक 60 स्लैब्स अ डे विद द हेल्प ऑफ टू मशीन्स। एंड ये सेमी ऑटोमेटिक पॉलिश मशीन है। एक मशीन को एक स्लैब पॉलिश करने में अराउंड 30-40 मिनट्स लगते हैं एंड यहाँ पे टोटल 3 पॉलिशिंग मशीन्स है, 2 सेमी ऑटोमेटिक एंड 1 फुल्ली ऑटोमेटिक। दिस फैक्ट्री कैन पॉलिश अराउंड 100 स्लैब्स इन अ डे विद द हेल्प ऑफ 3 मशीन्स। सो पॉलिशिंग कैपेसिटी ऑफ दिस फैक्ट्री इज अराउंड 2500 स्क्वायर फीट पर डे। ये फैक्ट्री का वेयरहाउस एरिया है। इस फैक्ट्री में लगभग 15-20 वैरायटी ऑफ ग्रेनाइट रखते हैं। ये सब स्लैब्स ग्रेनाइट की डिफरेंट वैरायटीज है। ग्रेनाइट का रेट मेनली डिफर करता है ब्लॉक्स के ग्रेडिंग पर एंड ये ग्रेडिंग माइंस पे ही की जाती है जब माल निकलता है। नॉर्मली ग्रेडिंग ए बी सी डी एंड ई कैटेगरी में होती है। ए ग्रेडिंग का ब्लॉक सबसे महंगा होता है। नेचुरल कलर्स के अलावा ग्रेनाइट पे आर्टिफिशियल कलर भी किया जा सकता है। इस ग्रेनाइट पे अपॉक्सी किया गया है इसका कलर चेंज करने के लिए। अपॉक्सी किया हुआ ग्रेनाइट अगर एक्सटीरियर के लिए यूज किया जाता है एंड डायरेक्ट सनलाइट में रहता है तो 3-4 साल में उसका कलर फेड होने लगता है। अपॉक्सी किया हुआ ग्रेनाइट इंटरनल यूज के लिए ही अच्छा रहता है। ये प्रोसेस ग्रेनाइट स्लैब्स टेम्पो में लोड हो रहा है फॉर डिलीवरी टू लोकल कस्टमर्स। ये लोकल डिलीवरी है एंड स्लैब की साइज कम है इसलिए छोटे टेम्पो में लोड किए जा रहे हैं। दिस फैक्ट्री इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे सो ट्रांसपोर्टेशन टू मेजर सिटीज ऑफ इंडिया इज वेरी इजी फ्रॉम दिस लोकेशन। एंड ये था एक ग्रेनाइट गैंग्स यूनिट का एंड टू एंड प्रोसेस। थैंक यू।